छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ के लिए भेजा ऑक्सीजन टैंकर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर ऑक्सीजन टैंकर किया रवाना। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर मचा हाहाकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री से की चर्चा। मध्य प्रदेश को मिलेगी ऑक्सीजन ट्रेन। भोपाल की मदद के लिए आगे आया रेलवे। स्टेशन पर तैयार किए आइसोलेशन कोच। 20 कोच में 320 बेड की व्यवस्था। और उज्जैन में गुंडागर्दी पर उतरे डॉक्टर। मृतकों के परिजनों को पीटा। पुलिस के साथ की मारपीट। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। लखनऊ में कोविड 19 के मरीजों के उपचार में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक टैंकर ऑक्सीजन की तत्काल व्यवस्था कर उसे लखनऊ के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह व्यवस्था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर ही। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से जूझते लखनऊ की मदद के लिए सीएम बघेल से फोन पर बात करते हुए ये आग्रह किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल रायपुर से लखनऊ के लिए 16 टन ऑक्सीजन का टैंकर रवाना कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के मरीजों के उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन के बाद बची हुई अतिरिक्त ऑक्सीजन लगातार अन्य राज्यों को उपलब्ध करा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा है और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि ऑक्सीजन के टैंकर का वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के लिए परिवहन होना है। उसमें गृह मंत्रालय का पूरा सहयोग रहेगा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लगातार युद्ध जारी है। मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने कोरोना कर्फ्यू लगाया। ये कोरोना कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है और इस कोरोना कर्फ्यू के सुपरिणाम अब सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी। इस बढ़ती हुई दर को थामने में हम सफल हुए हैं और अब यह धीरे धीरे घटने लगी है। लगभग 23% कल ये पॉजिटिविटी रेट रही। एक रणनीति और बनाई है, जिन शहरों में, गांव में हॉटस्पॉट है, जहां ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं, हम माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और वहां से संक्रमण फैल ना पाए इसके लिए वहीं कंटेन कर देंगे, ताकि संक्रमित भाई और बहन बाकी किसी और को संक्रमित ना कर पाए। इस संबंध में मैंने विस्तृत निर्देश दिए हैं। आज ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए मेरी कई स्तरों पर चर्चा हुई है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की और उस चर्चा के बहुत सुपरिणाम सामने आए। मुख्य रूप से ये चर्चा हुई कि कैसे ऑक्सीजन के टैंकर या एयर फोर्स के विमान से ज्यादा संख्या में भेजे जा सके। कल इंदौर से जामनगर भेजने का प्रयोग हुआ था,
लेकिन आज मैंने अमित जी से आग्रह किया कि भोपाल और ग्वालियर से भी ये खाली टैंकर अगर हम रांची, भोपाल से रांची, भोपाल से ग्वालियर से रांची भेज पाए, इंदौर से जामनगर भेज पाए, तो ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकरों के आने जाने का वक्त बच जाएगा और हम जल्दी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में ला पाएंगे। मुझे खुशी है, माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और उसका परिणाम है कि अब हम भोपाल और ग्वालियर से भी खाली टैंकर रांची और जाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। शहर में कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। भोपाल में 26 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू है, इससे निपटने की तैयारियां की जा रही है। तो वहीं दिनों दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है और इसे देखते हुए भोपाल में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कुछ रियायतें दी जा सकती है, जल्द ही इसके आदेश जारी हो सकते हैं। इसके पीछे तर्क ये भी है कि राजधानी में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय होने के बाद ही कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पताल में बेड के लिए मची आपाधापी के बीच मदद के लिए रेलवे आगे आया। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर 20 कोविड देखभाल कोच की व्यवस्था की है, जो आज से पूरी तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। गोयल ने लिखा कि भोपाल में भारतीय रेल ने 20 कोविड केयर कोच की व्यवस्था की है, जिसमें 320 बेड हैं। ये कोच 25 अप्रैल से पूरी तरह कार्य करना आरंभ कर देंगे। रेल कोचेस में मौजूद बर्थ को हॉस्पिटल बेड की तरह आकार दिया गया है। भीषण गर्मी में मरीजों को ठंडक के लिए कोच की खिड़कियों में कूलर की व्यवस्था की गई है। ट्रेन की छत पर आपको बता दें खास तरह की एक चादर भी बिछाई गई है, जिसे पानी से नियमित ठंडा किया जाएगा। ये कोविड के शुरुआती मरीजों के लिए है, जिन्हें अस्पताल में आइसोलेशन के लिए बेड नहीं मिल पा रहा और जिनके घरों में भी व्यवस्था नहीं है। भोपाल रेल मंडल ने माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने कुछ कोचेस को मॉडिफाई किया है, इस तरह से कि हम कोविड के पेशेंट्स को आइसोलेट करके उन कोचेस में ट्रीटमेंट के लिए रख सकें। ऐसे 20-20 कोचेस हम हबीबगंज और भोपाल स्टेशन पर रखने वाले हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द हम करेंगे। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के चलते सरकार सख्ती के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। वहीं ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में कोरोना संक्रमण के बीच ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है, जिसका निरीक्षण मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि हमने रेल में 300 बेड आइसोलेशन कोच की शुरुआत की है। इससे हम संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे और अस्पतालों में दबाव कम होगा। 300 बिस्तर का रेलवे का आइसोलेशन एक्सप्रेस आइसोलेशन कोच की शुरुआत की है। इसमें लगभग 300 पेशेंट वो जो माइल्ड कोविड से ग्रसित हैं वो रहेंगे। इसमें दो तरह के फायदे हैं। एक तो हम इस तरह के कोचेस से संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग जो माइल्ड कोरोना के पेशेंट हैं, छोटे घर में रहते हैं, घर में बहुत व्यवस्था नहीं, तो पूरा परिवार संक्रमित होता है, पूरा मोहल्ला संक्रमित होता है, तो एक तो वो चेन ब्रेक होगी और दूसरा हमारा अस्पतालों में दबाव भी कम पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल की है नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, मैं उनको रेल मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। ये आज से शुरू हुई है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर पेशेंट्स आएंगे, हर कोच को एक वार्ड के रूप में तब्दील किया गया है, जिसमें सभी मेडिकल फैसिलिटी हैं, सभी इक्विपमेंट हैं, नर्स रहेंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, गर्मी बहुत हो रही है तो कूलर लगाए गए हैं, पानी की उचित व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण है बायो मेडिकल वेस्ट जो है, जो संक्रमण का एक बड़ा काम कर सकता है, उसको भी डिस्पोज करने की पूरी व्यवस्था की है। मैं रेलवे के अधिकारियों को बहुत बधाई दूंगा, हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से बहुत जल्द हमने एक अच्छी पहल। भोपाल रेलवे स्टेशन पे यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। किसी के पास भी जो भी पॉजिटिव लोग हैं, जिनको कि माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं और आइसोलेशन की आवश्यकता है, वो यहाँ आकर एडमिट हो सकते हैं। देयर इज अ हेल्प डेस्क जो स्टेशन में घुसते ही बनाया गया है। इसके साथ ही हमारा जो कोविड कमांड सेंटर है, उसके माध्यम से भी इसकी जानकारी लेना और यहाँ टाई अप करके एडमिट होने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो एक स्टैंडर्ड नंबर 1075 सभी प्रकार की कोविड की समस्याओं के लिए, कोविड की जानकारी के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए जारी किया गया, उसी नंबर के माध्यम से इसको। वहीं उज्जैन के आगर रोड स्थित आरजी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में शनिवार को एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल देर रात कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुबह मरीज के परिजन शव को लेने के लिए आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिसके बाद मृतक के परिजन का कहना रहा कि जब उन्होंने शव को देखा तो उनके सिर से खून बह रहा था। परिजन का आरोप है कि जब इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टरों ने जवाब देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर मेडिकल कॉलेज में विवाद की स्थिति बन गई। डॉक्टरों ने मेडिकल स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर को बुलाकर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवाद ऐसा है सर कि मेरे अंकल है, मेरे चाचा जी, उनका कल रात को वो ठीक थे, रात को 2 बजे हॉस्पिटल से फोन आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। हम सुबह सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी जो हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में, उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो CMO थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तरकाने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर अंदर देखा, शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने ICU का दरवाजे बंद कर लिए और वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद थे जिनसे हमारी काफ़ी कहा सुनी हुई। हमने उनसे जवाब मांगा तो अपने हॉस्टल के करीब करीब 80 से 100 लड़कों को लेके आके और मारपीट करने लगे। उनके पास जो भी सामान आ रहा था हाथ में, सरिया, डंडा, ईंट, पत्थर, उससे हमारे साथ मारपीट कंटिन्यू। देखिए, लगभग आज 11:15 से 11:30 के बीच की बात है, वहाँ कोई कोविड पेशेंट थे मिस्टर बंशीधर खंडेलवाल, ये मेट्रो टॉकीज के पास रहते हैं। रात को किसी समय इनकी डेथ हुई, परिजनों को इन्फॉर्म किया गया होगा, परिजन पहुँचे और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेचर पे ब्लड देख के उनका और डॉक्टर्स का कुछ विवाद हुआ और उनके सपोर्ट में ये जूनियर डॉक्टर्स हैं या ट्रेनीज हैं या स्टूडेंट हैं, ये लोग इकट्ठे हो गए और उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, TI खुद भी गए, हम भी गए, हालांकि मैं बाद में पहुँचा। इस बीच
उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन यदि रिपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से प्रकरण दर्ज होगा। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।